भारत चीन तनाव पर राष्ट्रपति ट्रंप का नया बयान, कहा पीएम मोदी से बात की, चीन को लेकर अच्छे मूड में नहीं है नरेंद्र मोदी। ट्रंप ने फिर दोहराया मध्यस्थता का प्रस्ताव, कहा विवाद सुलझाने में कर सकता है मदद। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा दोनों ही देशों के पास मजबूत सेना है, अगर दोनों चाहें तो कर सकते हैं सुलह की कोशिश। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया जा चुका है बयान, शांति से इस मुद्दे को खुद सुलझा लेगा भारत। एलएसी के पास भारत ने बढ़ाई सेना की ताकत, लद्दाख में चीन ने 5000 सैनिकों की कर रखी है तैनाती। लॉकडाउन 4 के पूरा होने में बचे हैं बाकी 2 दिन, अब तक के हालात को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने की समीक्षा। अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से साथ बात की, राज्यों में कोरोना संकट के बारे में जानकारी ली गई, मांगे गए सुझाव। हिमाचल प्रदेश ने पहले ही कर दिया है ऐलान, 30 जून तक राज्य में रहेगा लॉकडाउन। महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ाने पर बोले जयंत पाटिल, हालात की समीक्षा के बाद लेंगे फैसला। उत्तर पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा केंद्र के निर्देश का करेंगे पालन। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, गुरुग्राम में 24 घंटे में 68 नए केस। गुरुग्राम में कोरोना से अब तक 405 मामले सामने आए, 10 दिन के भीतर आए हैं 206 नए केस। नोएडा में शुरू किया गया सैनिटाइजेशन का काम, एक दिन में 27 बिल्डिंग्स को किया गया सैनिटाइज। पुणे में एक दिन में सामने आए 318 नए मरीज, शहर में अब तक 5000 से ज्यादा कोरोना के मामले। पुणे में एक दिन में 10 लोगों की मौत हुई, 49 लोग हैं वेंटिलेटर पर। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में गाजियाबाद में सामने आए 15 नए केस। गाजियाबाद में कोरोना मामलों की संख्या 260 हुई, एक्टिव केस हैं 53। इस वक्त गाजियाबाद रेड जोन में, पूरे जिले में है 19 हॉटस्पॉट। गाजियाबाद के लोनी में लागू की गई सेक्टर स्कीम, 8 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 4 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती। हर सेक्टर में स्वास्थ्य विभाग के पैरामेडिकल स्टाफ की टीमें मौजूद रहेंगी, जरूरी सेवाओं को घर तक पहुंचाने की सुविधा। देश में जारी है कोरोना का संकट, 24 घंटे में सामने आए 6,500 नए मामले, 1,58,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में देश में 194 लोगों की मौत, अब तक 45 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,190 नए मामले सामने आए, 57,000 के करीब पहुंचाया आंकड़ा। तमिलनाडु में कोरोना के 817 नए मामले, अब तक 18,500 से ज्यादा लोगों में वायरस का संक्रमण। दिल्ली में अब तक 16,000 से ज्यादा कोरोना के केस, पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा नए मरीज। पुलवामा में इस्तेमाल की गई कार के मालिक की पहचान हुई, हिदायतुल्ला नाम के शख्स की है ये गाड़ी। शोपिया का रहने वाला है हिदायतुल्ला खान, 2019 से हिजबुल मुजाहिदीन का सक्रिय आतंकी। सफेद रंग की सेंट्रो कार के पिछली वाली सीट पर रखा हुआ था करीब 50 किलो आईडी, सुरक्षा एजेंसियों ने कब्जे में लेकर कराया ब्लास्ट। सफेद सेंट्रो कार पर लगाए गए थे स्कूटर के नंबर प्लेट, जम्मू के कठुआ में पाया गया रजिस्ट्रेशन। पुलवामा में विस्फोटक भरी कार की बरामदगी के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट, पुलिस के मुताबिक अभी खत्म नहीं हुआ है खतरा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के करीब 7,000 कोरोना मरीज, अब तक 182 लोगों की जा चुकी है जान। बिहार में 3,000 के पार पहुंचा कोरोना का केस, 1,000 से ज्यादा हुए ठीक, 15 की मौत। मध्य प्रदेश में 7,000 के पार पहुंचा कोरोना का केस, अब तक 313 लोगों की जा चुकी है जान। गुजरात में 24 घंटे में 374 नए मरीज, 15,195 है कुल मरीजों का आंकड़ा, अब तक 938 लोगों की जा चुकी है जान। जयपुर में कोरोना संकट के चलते बड़ी बेरोजगारी, एमए और बीएड किए हुए लोग मनरेगा में दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। अलीगढ़ में सीए विरोधी प्रदर्शन के मामले में छात्र नेता फरहान जुबैरी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। पुलिस के मुताबिक फरहान जुबैरी कई आंदोलनों में रहा शामिल, दर्ज किए गए 12 मुकदमे, 4 मामलों में चार्जशीट। मरकज मामले पर कसा शिकंजा, सीबीआई ने शुरू की है जांच। क्राइम ब्रांच ने मरकज से संबंधित सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपे, प्राथमिक जांच के बाद मौलाना साद के खिलाफ दर्ज होगा एफआईआर। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना साद सहित 8 लोगों के खिलाफ दर्ज किया है केस, मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप। बुलंदशहर में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड कराने और होम्योपैथिक की दवा बांटने आयुष टीम से बदसलूकी का सामना करना पड़ा, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आरोपी की दलील, उसने स्वास्थ्य टीम से मांगा था आईडी कार्ड नहीं होने पर प्रभारी डॉक्टर से बात की। गोंडा में दूर दराज से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी, 1,31,000 से ज्यादा मजदूर आए। मुंबई से रवाना हो रहे प्रवासी मजदूरों को एनजीओ के साथ बीएमसी भी मदद कर रही है, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में बांटे जा रहे हैं खाने के पैकेट्स। राजस्थान के दौसा में बीजेपी सांसद जसकौर मीणा के लापता होने के लगे हैं पोस्टर, वापस लाने पर 21,000 और पता बताने वाले को 11,000 रुपए का इनाम का ऐलान।
लखनऊ में 66 साल के कैंसर पीड़ित ने दी कोरोना को मात, अस्पताल से मिली छुट्टी। मध्य प्रदेश के खरगोन में कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी मनरेगा के काम का निरीक्षण करने पहुंची, मजदूरों को दिया कच्चा राशन। नंगे पांव काम कर रही थी महिलाएं, विधायक ने महिला मजदूरों के लिए मंगवाई चप्पल। मुंबई के वाशी में रेलवे स्टेशन पर फिर से जुटे प्रवासी मजदूर, श्रमिक स्पेशल ट्रेन का कर रहे हैं इंतजार। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कलेक्टर दफ्तर के सामने महिलाओं का प्रदर्शन, राशन नहीं मिलने के बाद विरोध प्रदर्शन। इंदौर में अरविंदो अस्पताल से 110 मरीजों की छुट्टी, फूलों से किया गया स्वागत। वेस्टर्न नेवल कमांड ने अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्ट की सुविधा दी, जवानों के सामानों और कपड़ों को किया जा सकेगा सैनिटाइज। बांग्लादेश से फंसे 129 भारतीय वापस लौटे, अगरतला बॉर्डर से एंट्री। वाराणसी से बनारसी लंगड़ा और दशहरी आम की पहली खेप दुबई भेजी गई, लंदन भेजने की भी तैयारी। असम से दुबई के लिए सब्जियों की खेप रवाना, सीएम सर्वानंद सोनोवाल ने हरी झंडी दिखाई। हिमाचल के सोलन में बारिश के साथ ओले बरसे, गर्मी से मिली राहत। हिमाचल के चंबा में चारों तरफ सन्नाटा, लॉकडाउन के दौरान नहीं नजर आ रही हैं टूरिस्ट। छतरपुर में बिजली गिरने से 3 युवकों की मौत, फार्म हाउस पर पिकनिक मनाने गए हुए थे 9 दोस्त। जैसलमेर में भारत पाक सीमा के पास 50 डिग्री तक पहुंचा पारा, बीएसएफ जवान की मौसम से लड़ते हुए कर रहे हैं सरहद की निगरानी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अचानक मौसम ने करवट बदली, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से सुहाना हुआ मौसम। महाराष्ट्र के भंडारा में टिड्डियों का हमला, दवाइयों का किया गया छिड़काव। नोएडा में टिड्डी दल के आक्रमण से फसलों की सुरक्षा के लिए कमेटी गठित की गई, किसानों से ढोल बजाने की अपील। यूपी की सीमा में आ चुका है टिड्डियों का दल, झांसी के किसानों में दहशत। कानपुर में टिड्डियों से बचाव के लिए किसान खेतों में ढोलक और मजीरा बजाकर कर रहे हैं तैयारी, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। टिड्डियों के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने, कृषि विभाग ने जारी की एडवाइजरी, कीटनाशक दवाएं छिड़कने की तैयारी। कोरोना संकट के बीच प्रोइस की बड़ी पहल, कोरोना कर्मवीर महिलाओं के बीच बांटे जाएंगे 10 लाख सैनिटरी नैपकिन। मुहिम का नाम रखा गया है रोकती हूं रुकती नहीं, अभिनेत्री कृति सेनन है ब्रांड एम्बेसडर। मुहिम को लेकर फेसबुक पर डाली गई एक फिल्म, अब तक 50 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा टाइगर रिजर्व में सूखे पड़े हुए हैं तालाब, मोटर चलाकर भरा जा रहा है इनमें पानी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में छात्रों ने डॉक्टर्स की मदद के लिए बनाया है रोबोट, कोरोना के मरीजों की देखभाल में सुविधा। लखनऊ के सर्वोदय नगर में ओवरब्रिज पर हादसा, तेज रफ्तार कार ने दूसरी कार को मारी टक्कर। टक्कर के बाद पलट गई गाड़ी, रिकॉर्ड्स के मुताबिक क्रिकेटर अक्षयदीप नाथ की है ये जगुआर। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 बदमाश जख्मी हुए। नासिक में पीने के पानी का संकट, गांववाड़ी में 10 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाने जाते हैं लोग। मदुरई में 3 मंजिला इमारत में आग लगी, दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। अलीगढ़ में सब इंस्पेक्टर राजकुमार का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ, जांच के बाद किया गया सस्पेंड। पलवल में एक महिला पर बदमाशों ने की फायरिंग, महिला ने आरोपियों के नाम बताया, पुलिस ने कहा बयान लेने के बाद करेंगे कार्रवाई। झारखंड के चाईबासा में मारे गए 2 नक्सली, 2 गिरफ्तार। दिल्ली के जाफराबाद में एक शख्स की हत्या, पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश का है मामला। ग्रेटर नोएडा में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ, स्कॉर्पियो लूट के मामले में है आरोपी। फतेहपुर में 70 साल के पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या, देर रात अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में तालाब में नहाते वक्त 2 सगे भाइयों की मौत हुई, 7 साल और 9 साल के थे मासूम। हावड़ा में 10वीं कक्षा की छात्रा ने बहुमंजिला इमारत से कूदकर जान दी, एक लड़की की छेड़छाड़ से परेशान थी। वृंदावन में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर जान दी, घर वालों ने किसी दूसरी जगह तय कर दी थी युवती की शादी। मधुबनी में दरभंगा जाने वाली सड़क पर लोगों ने घंटों तक लगाया जाम, शहर के बीचों बीच बने बस डिपो को हटाने की मांग की गई। वाराणसी में भगवान को गर्मी से बचाने के लिए चढ़ाई जा रही है कोल्ड ड्रिंक, एसी और पंखे का भी किया जा रहा है इंतजाम। भारी बारिश से लगातार बढ़ रहा है ब्रह्मपुत्र का जलस्तर, असम के 11 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। असम में करीब 3 लाख लोगों पर बाढ़ का खतरा, करीब 20,000 लोगों ने 57 राहत शिविरों में शरण ली। मेघालय के वेस्ट जयंतिया जिले में बाढ़ के हालात, राहत ऑपरेशन में जुटी है एसडीआरएफ की टीम। उत्तराखंड के टिहरी में बारिश ने बढ़ाई है लोगों की मुश्किलें, पुलिया टूटने से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर घंटों तक ठप रही आवाजाही। पतंजलि ने कोविड-19 की दवा को क्लिनिकल ट्रायल के लिए लॉन्च करने का किया दावा, फरवरी से चल रहा था ट्रायल।
इंडिगो एयर एशिया ने ट्रैवल एजेंट्स को टिकट्स के रिफंड देने की शुरुआत की, सीधे ग्राहकों के खाते में जाएगा पैसा। गूगल अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम से जुड़ी जरूरतों और फर्नीचर खरीदने के लिए देगी 75,000 रुपए। 10% वर्कफोर्स के साथ जुलाई में खुलेंगे ऑफिस। जियो प्लेटफॉर्म्स में अब माइक्रोसॉफ्ट खरीदेगी हिस्सेदारी, 15,000 करोड़ रुपए का हो सकता है निवेश। ओला ने 22 हवाई अड्डों पर शुरू की है कैब सर्विस, एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर करेंगे काम। ब्राजील में एक दिन में 20,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना का संक्रमण, 4,00,000 के पार पहुंचा आंकड़ा, 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत। फ्रांस ने लगाई मलेरिया की दवा HCQ के इस्तेमाल पर रोक, WHO पहले ही लगा चुका है पाबंदी। अमेजॉन के जंगलों में तेजी से फैल रहा है कोरोना, आदिवासियों के लिए शुरू किया गया है खास अस्पताल। इराक में कोरोना संकट की वजह से 3 जून तक जारी रहेगा कर्फ्यू, बगदाद की सड़कों पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती। इकडोर से सामने आई है दिल दहलाने वाली तस्वीर, मुर्दा घरों और कंटेनरों में अपनों की लाश ढूंढ रहे हैं लोग।